नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और इस वीडियो को आप हमारे ऑफिशियल चैनल नीतीश राजा ऑफिशियल पे देख रहे हैं। बात करेंगे आज बहुत ही एक दिनों से मेरे मन में ये चीज चल रहा था, तो सोचा कि आज आप सभी लोगों के बीच शेयर ही कर दूं कि जो अभी फिलहाल 10 से 15 दिन पहले एक घटना हमारे सभी लोगों के बीच आया था आरती और छोटू के बीच का, जो कि आज एक बहुत बड़ा बवंडर बन के हमारे पूरे खास करके यूपी बिहार ये जो हमारे जितने भोजपुरी बेल्ट है ना वहाँ इसका प्रभाव ज्यादा है। और मैं सबसे पहले तो उनकी बात करूंगा जो हमारे बिहार में डिजिटल मतलब कि जो अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ये सब जो बना के अपना एक माइक लेके जो पत्रकार बने पड़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो चीजें उन लोग कर रहे हैं चंद व्यूज और चंद सब्सक्राइबर चंद फॉलोअर के लिए वो हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए जो भी आज के डेट में बच्चे हैं सारे लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जनरेशन अभी अपना है जो आप उनको दिखाइएगा वही उनके माइंड में जाके सेट हो जाता है। क्योंकि हर एक घर में आज के डेट में हाथों हाथ मोबाइल है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंस्टाग्राम है। आप समझिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जनरेशन पे। ये जो कांड है जो हुआ मैं उसके बारे में इस वीडियो पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में इसके बारे में जरूर बात करूंगा कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पे क्या मतलब असर पड़ सकता है जो छोटे लड़के हैं, जो खास करके यंग जनरेशन के लड़के हैं जो इस एज में ऐसी गलतियां करते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, शायद इसका आप सभी लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। इसका बहुत ही बड़ा एक दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि देखिए जो उनके माइंड में सेट होगा जो चीजें वो देखेंगे जो चीजें वो सुनेंगे वही उनके माइंड में जाके सेट होता है। तो ये जो भी हमारे पत्रकार बंधुगण है सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग ऐसे बेकार की न्यूज के पीछे चंद व्यूज और चंद सब्सक्राइबर के लिए जो आप सब करते हैं प्लीज आप सभी लोग बंद कर दीजिए। आपके चंद व्यूज चंद फॉलोवर चंद सब्सक्राइबर के चक्कर में पता नहीं कितने लोग भटक जाएंगे, कितने युवा भटक जाएंगे, क्योंकि जो सारी चीजें आप सभी लोग चला के रखे खास करके यूपी बिहार झारखंड जितने भी हमारे भोजपुरी समाज से लोग आते हैं खास करके इसका ज्यादा असर वहां पड़ता है। क्योंकि मैं अभी फिलहाल बिहार से बाहर हूँ और मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज्यादा प्रभाव बिहार से बाहर है। कोशिश कीजिए कि ये सब सारी चीजों को चलिए एक बार आपने न्यूज बना दिया उसको आप डैश शिफ्ट कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जिसको आप बार बार बता के बार बार उनके घर पे माइक मुंह में ठूस के ये साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है और इनको कहीं ना कहीं भारत रत्न या पद्म विभूषण से नवाजा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भी घर में बेटियां होंगी, आपके घर में भाई होंगे, अगर आप सोचे कि ये चीजें आपके घर में होता तो आप पे उसका क्या प्रभाव पड़ता, जो आप चंद व्यू और चंद सब्सक्राइबर चंद छोटी सी चीजों के लिए चंद पैसों के लिए जो आप सारी चीजें कर रहे हैं आपको नहीं पता कि इसका कितना बुरा प्रभाव हमारे समाज पे पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा कोई कार्य लोग नहीं कर दिया जिसको आप लोग इतना बड़ा ये सारी चीजें कर रहे हैं। आरती छोटू का प्यार अमर हो गया, हाई हो गया, हो गया। माँ बाप ऐसे चीज होते हैं ना जिनके सामने हर एक चीज छोटी पड़ जाती है, लेकिन आज का जनरेशन आज का जो यूथ है वो माँ बाप को बिल्कुल एकदम अपने किनारे रख के अपने जीवन का जो ये सफर करते हैं ना ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख वाली बात है। और आप सभी लोग इतनी बुद्धिजीवी हो के इतने पढ़ लिख के कहीं ना कहीं आपके पास इतनी तो मानसिकता जरूर होगी कि आप क्या कर रहे हैं और लोगों के बीच क्या परोस रहे हैं। आपके पास अगर थोड़े से फॉलोअर हैं, आपके पास अगर एक थोड़ा सा पब्लिक बेस है तो कहीं ना कहीं आप उसको एक अच्छे काम को लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से ही आगे जाएं। अगर आज के डेट में मैं YouTube खोलता हूँ क्योंकि मैं भी भोजपुरी से ज्यादा जुड़ाव है अपना, मेरा भी रोजी रोटी भोजपुरी से ही चलता है, जब मैं Facebook खोलता हूँ तो खाली हमें यही सब सारी चीजें देखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है और जो हमारे दर्शक है भगवान रूपी दर्शक है उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसे चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाए। इससे क्या होगा कि जब आप सब दूरी बनाना शुरू करेंगे तो इन लोग ऐसा कॉन्टेंट बनाना बंद करेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी इस मैटर पे अभी मैं बहुत गहरे तरीके से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये कितना मतलब सिर्फ कितना बड़ा ये मतलब चीज है, कितना निगेटिव इम्पैक्ट
पड़ता है इससे समाज पे, इस पे जो यंग जनरेशन के लोग हैं इस पे कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जो फालतू की चीजों को लेकर इतना बड़ा भवंडर लोग बना देता है, मान लीजिए कि दो आपसी परिवार का बैटर है वो लोग अपना समझ लेंगे, इसमें आपको इतना ज्यादा तुल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद कीजिए जब एक लड़का 10-11 साल का लड़का सोनू, जब सोनू एक वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ था, आज कहाँ है वो लड़का? शायद आप में से 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा कि आज लड़का कहाँ है। तो ये चंद व्यू, चंद सब्सक्राइबर, चंद वायरल चीजों की वजह से जो आप सभी लोग इतना सारी चीजें करते हैं, प्लीज ये सब बंद कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही बुरा दुष्परिणाम हमारे समाज में पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर दिए कि जिसके वजह से इनको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। दो आपसी परिवार का मैटर है, दोनों अपना समझ लेंगे, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है जिसको आप लोग इतना वो दे रहे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस मैटर पे बहुत ही सटीक एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के जो आंखों पे ये मीडिया लोग मिलके जो पर्दा एक डाल दिया है ना, उसको उठाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इन सब सारी चीजें चंद व्यू, चंद सब्सक्राइबर के लिए जो करते हैं ना, उनका मैं बहुत बुरा लगता है मुझे, और मैं काफी दिनों से इस चीज पे आप सभी लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ समस्या हमारे जीवन में भी थी, मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था जिसके वजह से आप सभी लोगों से बात नहीं कर पाया था। लेकिन कल जो वीडियो इस मैटर पे आएगा वो काफी ही अलग तरीके का होगा, और आप सभी लोग उसका वेट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल आप सभी लोगों को इसके पूरे डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।